हे गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू एग्री सिल्बी। आज हम बहुत सारे फ्लोरिकल्चर के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, सो बी अटेंटिव, बी एन ऑप्टिमिस्ट। लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज वॉलंटरी बल्ब? बल्ब सभी को पता है, फिर भी हम आज क्लियरली डिस्कस करेंगे व्हाट इज बल्ब। तो फिर ये क्वेश्चन है, वॉलंटरी बल्ब क्या है? वॉलंटरी मतलब जो आगे आता है, ओके? ये चीज तो आपको पता होगा। तो फिर यू ट्राई टू आंसर, द आंसर इज इन नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, यहाँ पे मैं आपको हिंट देता हूँ, करेंट क्रॉप, यहाँ पे भी करेंट क्रॉप है और यहाँ पे प्रीवियस क्रॉप है। वॉलंटरी मतलब पहले आता है। सो द आंसर इज ऑप्शन बी, अनवांटेड बल्ब रिमेनिंग फ्रॉम प्रीवियस क्रॉप। आप याद रखेंगे प्रीवियस क्रॉप और वो भी अनवांटेड, उसे हम बोलते हैं वॉलंटरी क्रॉप। तो फिर बल्ब क्या होता है पहले जान लेते हैं। बल्ब सभी को पता है एक फूड स्टोरेज ऑर्गन है जो कि प्रोपागेशन के लिए हेल्प करता है। बहुत सारे ऐसे गार्डन प्लांट है, ऑर्नामेंटल प्लांट है जो कि बल्ब से प्रोपागेट करता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, डॉर्मेंसी के पीरियड में बल्ब में फूड स्टोरेज होता है। और कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि एलियम, हिप्सेटम, नेक्सस, ट्यूलिपा, ये सारे होता है ट्यूनिकेट बल्ब। देखिए, ट्यूनिकेट बल्ब एंड नॉन ट्यूनिकेट बल्ब, उसमें से डिफरेंस ये है, एक प्रोटेक्टिव कवर, ट्यूनिक एक प्रोटेक्टिव कवर है जो प्रोपागेशन मतलब प्रोपागेटिंग प्लांट हार्श कंडीशन में ग्रो करते हैं, उनको प्रोटेक्टिव कवर की जरूरत है, उसे बोलते हैं ट्यूनिकेट बल्ब, जैसे कि एलियम, हिप्सेटम। पर जो प्लांट इतना ज़्यादा हार्श कंडीशन में ग्रो नहीं करता है, इजीली प्रोपागेट कर सकता है, जैसे कि लिलियम, फ्रिटालिया, ओके, इनके पास प्रोटेक्टिव ट्यूनिक कवर नहीं है, इसीलिए इनको बोलते हैं नॉन ट्यूनिकेट बल्ब। यहाँ पे देख सकते हैं, ये एलियम सेपा का फिगर है, ओनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट यिल्डिंग इज रिलेटेड विथ? देखिए, यिल्डिंग डिफरेंट एग्रीकल्चर अलाइड फील्ड में डिफरेंट एनिमल को शो करता है। जैसे कि अगर हम वेटनरी की बात करेंगे, यिल्डिंग वहाँ पे हॉर्स के जो बच्चे होते हैं जुवेनाइल स्टेज में, उसे बोलते हैं यिल्डिंग। अगर हम वाइल्ड लाइफ साइंस की बात करेंगे तो फिर क्रोकोडाइल का जो जुबेलाइन स्टेज होता है उसको बोलते हैं यिल्डिंग स्टेज, ओके। यहाँ पे हम ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर की बात कर रहे हैं, फ्लोरिकल्चर की बात कर रहे हैं, तो फिर आपको इनमें से चूज करना पड़ेगा कौन सा आंसर यिल्डिंग से रिलेटेड है। सो द आंसर इज लिली। जनरली लिली यहाँ पे ऑप्शन गलत है, ऑप्शन होना चाहिए ईस्टर लिली, ओके, जिसको साइंटिफिक नेम हम बोलते हैं लिलियम लॉन्गिफ्लोरम, ओके। सो आंसर इज ईस्टर लिली। ईस्टर लिली के में हम यिल्डिंग के टर्म यूज करते हैं। तो फिर होता क्या है, अगर हम कमर्शियल प्रोपागेशन की बात करें, ईस्टर लिली बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इन अमेरिका वेस्टर्न साइड पे, ओके। तो फिर इनका डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। तो वन ईयर लेटर जो बल्बेट होता है, अगर उसका एज वन ईयर से ज़्यादा हो जाता है, उसे हम यिल्डिंग कहते हैं। और यिल्डिंग कैसे प्रोपागेट करता है, उसको हम कैसे फील्ड में प्लांट करते हैं, कैसे डगअप करते हैं और कैसे कमर्शियल बल्ब की तरह ये यूज होता है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। ऑलरेडी हम लिली के चैप्टर में ये सारी चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, कैसे बल्ब उसका ग्रो करता है, कैसे प्रोपागेट करता है, कमर्शियली हम कैसे करते हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, आप चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है अच्छी तरह। और आप चाहें तो हमारे लिलियम का वीडियो भी देख सकते हैं, ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर की। ये क्वेश्चन आया है फ्लावर अरेंजमेंट के चैप्टर से, हम ऑलरेडी फ्लावर अरेंजमेंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको फ्लावर अरेंजमेंट के बेसिस नहीं पता है तो फिर ये सारे चीज़ आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए मैं सारे के सारे ऑप्शन को यहाँ पे देखूंगा, सारे के सारे ऑप्शन को मैं डिस्क्राइब करूंगा अच्छी तरह से, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो फिर कौन सा हाइब्रिड स्टाइल ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट है, आपको चूज करना है, द आंसर इज इन नेक्स्ट स्लाइड। The answer is जीवबन, ओके, याद रखिए जीवबन इसका आंसर है। हम जानते हैं एक्चुअली होता क्या है, सारे के सारे ऑप्शन डिस्कस करेंगे। देखिए, जापानीज फ्लावर अरेंजमेंट को एक्बन स्टाइल भी बोला जाता है, इसके बारे में हम स्पेशली MCQ 10 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो मैं आपको जस्ट हिंट दे देता हूँ, ये जो एक्बन स्टाइल है, ये जापानीज अरेंजमेंट है, ये बुद्धिस्ट मॉन्ग से लिया गया है, बहुत ही पुराना टाइप का अरेंजमेंट है। और इनमें तीन तरह के लेबल होता है, मतलब एक यार्थ के लेबल होता है, एक मिडिल लेबल होता है और फाइनली एक हिवन लेबल होता है। और यहाँ पे डिफरेंट एंगल में भी फर्क होता है, कहीं पे 15 डिग्री, कहीं पे 30 डिग्री,
और ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। आप इसके बारे में अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो फिर आप हमारा फ्लावर अरेंजमेंट का वीडियो देख सकते हैं और MCQ 10 में भी देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन रिलेटेड टू एकेबन स्टाइल हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, देन आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एकेबन स्टाइल। मैंने बता चुका हूँ बहुत सारे टाइप्स होता है, जैसे मोरीबन, नाइगेरिया, ज्यूबन। ज्यूबन इसका आंसर है क्योंकि एक हाइब्रिड टाइप अरेंजमेंट है। क्यों इसका आंसर है मैं आपको डिस्कस करूँगा। ओके, तो फिर मरीबना, मरीबना के बारे में हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं MCQ 16 में। मैं आपको बता देता हूँ, ये एक पाइल्ड ऑफ फ्लावर्स का अरेंजमेंट है। ओके, फ्लावर के ऊपर एक फ्लावर, इसी तरह हम इसको अरेंज करेंगे और पिन का मदद लेंगे उसको सजाने के लिए, पिन। इसीलिए इसको जापानीज लैंग्वेज में बोला जाता है केंसन। केंसन मीन्स पिन लाइक, मतलब हम पिन यूज करते हैं फ्लावर को पाइल करने के लिए। ओके, और ये बहुत ही नेचुरल देखा जाता है। ओके, नेचुरल तरीके से ये अरेंज होता है, इसीलिए इसको नेचुरल एकेबन भी बोला जाता है। देन आता है नागेरी। देखिए, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लावर अरेंजमेंट है, एकेबन के अंडर आता है। और इसमें क्या होता है, जो अपराइट कॉर्नर है वहीं पे आपको स्पेशल फ्लावर को पुट करना है, और एक क्रॉस बार फिक्सचर होता है, मतलब इसी तरह हम फ्लावर को सेट करेंगे, तो इसे बोलते हैं नागेरी। देन आता है ज्यूबन, इसको हाइब्रिड टाइप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आपको डेफिनेशन से पता चल गया होगा। देखिए, ये फ्री फ्लावर है इसलिए हाइब्रिड बोलते हैं, और ये मोरीबना और नागेरी किसी भी स्टाइल के आधार पे अरेंज कर सकते हैं, इसीलिए इसको हाइब्रिड बोलते हैं। और एक चीज, यहाँ पे कोई भी वुड हो गया, मेटल हो गया, प्लास्टिक हो गया, एनी टाइप ऑफ मेटल आप यूज कर सकते हैं ज्यूबन में। ओके, इसीलिए इसको हाइब्रिड टाइप बोला जाता है। तो द आंसर ऑफ आवर प्रीवियस क्वेश्चन इज ज्यूबन। देन आता है जेनिका। मैंने बताया मैं आपको सारे के सारे ऑप्शन डिस्कस करूंगा, तो कि एग्जाम में कुछ भी आए आप सही आंसर क्लिक कर सकते हैं। जेनिका मीन्स एब्स्ट्रैक्ट। ओके, ये स्टाइल नेचर को स्टिमुलेट नहीं करता है, मतलब नेचर से दूर दूर का रिश्ता इसका नहीं है, और इसीलिए अन इवन हाइट होता है, क्योंकि नेचर में सारे के सारे आस पास के हाइट होता है, इवन हाइट आपको मिलेगा। सो जेनिका में अन इवन हाइट होता है। और जेनिबन, देखिए जेनिका एंड जेनिमन दोनों पूरी तरह अपोजिट है, इसका नेचर से कोई रिलेटेड नहीं है, ये नेचर की तरह ही दिखता है, इसीलिए इसको हाइब्रिड भी आप नहीं बोल सकते, क्योंकि ये नेचर की तरह दिखता है, पर वुड, स्टोन, रॉक्स कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। देन आता है मोरीबना। मोरीबना आपको सिर्फ याद रखना है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, एंड मोरीबना नाम से पता चले मोरीबना, इट इज साउंड लाइक इंग्लिश लेटर। ओके, इंग्लिश फ्लावर अरेंजमेंट इसे बोलते हैं। ओके, ब्रिटिश टर्म ऐसे होता है मोरीबना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज बेस्ड ऑन आवर टेरारियम, ग्लास कल्चर, बोटल कल्चर, ये सारे चीज हम पढ़ चुके हैं हमारे प्रीवियस ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर वीडियो में। सो यू ट्राई टू आंसर, टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इनसाइड ए ग्लास एनक्लोज्ड। ओके, एनक्लोज्ड होता है ग्लास में, तो उसे क्या बोलते हैं, इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट वही टेरारियम का स्लाइड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। You try to answer. In last slide, there is a surprise test for you. So, you should listen attentively. Otherwise, you can't score a good mark. So, be attentive, be an optimist. First, come to terrarium garden. I already told you, garden means there are two main components. One is living component, another is non-living component. Here, non-living component is a plastic or glass container. And a living component we'll discuss in further slide. So, terrarium was introduced by Nathaniel Bagshawe in 1842. You should remember the name who introduced the terrarium garden. Okay, so the container may be a transparent glass, may be a transparent plastic, which contains plant, which is grown inside that container. The top portion of the container or the may be open or may not be open, doesn't matter. Water cycle in terrarium. So, we are not providing water daily in that terrarium. If we provided once, it will last long. How water cycle goes on inside a transparent glass container? So, in a closed container, the moisture which the plants take up through their roots and transfer through their leaves is condensed and eventually returns to the soil again. Means we are providing water once. Then what happens? That water is absorbed by roots of the plant. Then
That water transpiration occurs by using the leaves of the plant. Then after transpiration, the condensed water again comes to soil. So in this way, the water cycle goes on inside a terrarium container. It is just look like a mini earth inside a transparent glass. Here you can see two terrarium. Here this one is glass container and this one is plant, that living component. It provides a very pleasant view. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही ज़्यादा आसान सा सवाल है, ये सभी को पता है, इसीलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ आंसर बता दूंगा। ईयर राउंड फ्लावरिंग अगर आपको चाहिए, आप उसको कैसे अचीव करेंगे? ये तो नेचुरल नहीं हो सकता, तो अननेचुरली आर्टिफिशियली हम कैसे अचीव करेंगे? हम डे लेंथ को ऑब्वियसली कंट्रोल करेंगे, टेम्परेचर को ऑब्वियसली कंट्रोल करेंगे। तो आपको इसका टर्म याद है ना, डे लेंथ दैट इज फोटोपीरियडिज्म, हम फोटोपीरियडिज्म को मेंटेन करेंगे। टेम्परेचर, हम वनलाइजेशन की हेल्प लेंगे ईयर राउंड फ्लावरिंग के लिए। ओके, सो द आंसर इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दैट एक्बेन स्टाइल, नेगेटिव फ्लावर अरेंजमेंट का कौन सा वाला फीचर है? देखिए, नेगेटिव फ्लावर अरेंजमेंट अभी मैं डिस्कस किया, आपको याद है ना, अपराइट कॉर्नर, क्रॉस बार फीचर। तो अपराइट कॉर्नर में आपको स्पेशल फ्लावर मिलेगा। अपराइट कॉर्नर में स्पेशल फ्लावर मिलेगा मतलब आपको यहीं से पता तो चल गया होगा, दे 1.5 टाइम्स और 2 टाइम्स, व्हाट एवर इट मे बी, बट टॉलर होगा। सो सारे के सारे ऑप्शन में टॉलर है, सो यू ट्राई टू आंसर, लेकिन टॉलर होगा, ये चीज आपको पता चल गया क्योंकि अपराइट कॉर्नर में स्पेशल फ्लावर है। ओके, सो कितना ज्यादा टॉलर होगा, यू ट्राई टू आंसर, मे बी 1.5, मे बी 2, मे बी 3। द आंसर इज एक्चुअली ऑप्शन सी, 1.5 टाइम्स टॉलर देन फ्लावर बेस। देखिए, फ्लावर बेस तो इतना ही होगा ना, इससे 1.5 टाइम्स मीन्स आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना लंबा फ्लावर होगा जो कि अपराइट कॉर्नर में होगा। ओके, तो इसके बारे में मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ हमारे प्रीवियस स्लाइड पे, सो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और कुछ इंपोर्टेंट टर्म जैसे कि कैंजन हो गया एंड कैस्केडिंग स्टाइल अरेंजमेंट हो गया, ये सारे चीज कॉमन सा चीज है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इस टाइप के फ्लावर अरेंजमेंट में आपको लाइन बैलेंसिंग मिलेगा, ओके, एंड फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा। बिगनर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल फ्लावर टाइप अरेंजमेंट है लैंगेरी। ओके, देखिए यहाँ पे अपराइट कॉर्नर में बताया ना, अपराइट कॉर्नर, यहाँ पे एक स्पेशल फ्लावर है, ये फोटो में नहीं दिखा जाता है पर यहाँ पे है एक स्पेशल फ्लावर। सो यहाँ पे बेस जितना है, लेट बेस इज एक्स, सो यहाँ पे इसका हाइट होगा 1.5x। ओके, सो ये चीज आप याद रखेंगे। और यहाँ पे देखिए, नेगेरी ऑफ दी, ये स्कूल है, एक जापान में एक स्कूल है, यहाँ पे इस टाइप का फ्लावर अरेंजमेंट मिलेगा। नेगेरी सम टाइम एसोसिएट विथ मोरीवाना, मोरीवाना क्या है हम डिस्कस कर चुके हैं। सो सिमिलैरिटीज मिलेगा आपको, द हिस्टोरिक डेवलपमेंट फ्रॉम ईच अदर डिफरेंट। देखिए, मोरीवाना एवॉल्व हुआ लेटर स्टेज में, पर इससे पहले बिगनर के लिए नेगेरी डेवलप हो चुका था।